हेलो फ्रेंड्स, एंटायर हाउस में आपको एक बार फिर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आंवला कैंडी। सर्दियों का मौसम है, मार्केट में खूब अच्छे अच्छे आंवले आ रहे हैं और आंवले हमारे आंखें, बाल, स्किन, इम्यूनिटी सिस्टम को भी खूब बढ़ा के रखते हैं। आंवले का आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण जगह बताई गई है, गुणों से भरपूर बताया गया है। और आंवले की खासियत ये है कि इसे हम खट्टी चीज़ें होने के बावजूद दूध के साथ ले सकते हैं। जैसे खटाई को दूध के साथ नहीं लिया जाता है कि थोड़ा गेप रख के हम खा सकते हैं, पर आंवला कैंडी ऐसे आप कभी भी खा सकते हो। और अगर आपने उसके बाद दूध भी लेना है तो आप दूध ले सकते हो। तो ये देखिए, आज हम बना रहे हैं आंवला कैंडी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ना इसको उबालना है, ना इसका रस निकालना है, और बहुत ही रस से भरी हुई ये आंवला कैंडी बन के तैयार होगी। तो चलो देखते हैं किस तरह से बनाइए। मैंने यहाँ आधा किलो आंवले लिए हैं और आधा किलो आंवलों को पॉलीथीन में पैक करके फ्रीज़र में रख दिया था। इसे करीब 3 दिन तक मैंने इसे फ्रीज़र में रखा है और 3 दिन बाद इसे मैंने निकाल लिया है। और निकालने के बाद इसे 4-5 घंटे हमने फ्रीज छोड़ दिया, क्योंकि इसके ऊपर बर्फ़ जम चुकी थी। तो इसको इस तरह से स्किन निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप 3 से 4 घंटे इसे रख दीजिए और उसके बाद इसके ऊपर की स्किन को आप निकाल लीजिए। बहुत आसानी से निकल जाएगी। और पूरी स्किन निकालने के बाद हम इसके एक एक पीस को निकाल लेंगे। कलियाँ आराम से निकल जाती है, और कलियाँ अगर आराम से ना निकले, आपके थोड़ा दिक्कत हो, तो आप चक्कू की सहायता से इसमें जो कलियाँ बनी होती है उसमें कट लगा के आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इन आंवलों को ना मैंने उबाला है, ना स्टीम दिया है, बिल्कुल रस से भरी हुई। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी कई बनाई है, तो उसको मैंने जैसे फ्रीज़र में रखा है, फिर इसको निकाला है, फिर इसका जूस निकाला, उसके बाद उसमें चीनी मिलाई है। अब इसमें बिल्कुल भी निचोएंगे नहीं, मतलब इसका कुछ भी रस वगैरह नहीं निकालेंगे, तो ये बहुत ही गुणों से भरपूर वाली आंवला कैंडी बन के तैयार हो जाएगी। छिलकों को हाथ से निकालने में अगर दिक्कत हो रही हो, तो आप चक्कू की सहायता से भी छिलकों को निकाल सकते हैं। और उसी वक्त जैसे सारे छिलके निकल जाएं, उसके बाद हम इसके पीसेस को निकाल लेंगे। चक्कू की सहायता से बहुत आसानी से इसके पीसेस भी निकल जाते हैं। कलियाँ इसमें बनी भी आती है, बस वहीं कट लगाना है और उनको निकाल लेना है। इस तरह से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, कई बार ये टूट भी जाती है। तो कोशिश करें कि चक्कू की सहायता से आसानी से कर लें। बहुत डीपली में इसको कट लगाएं, जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह से, और देखना एक एक पीस आराम से निकल के आ जाएगी। चक्कू की सहायता से बहुत आसानी से जाएंगे, एक एक कलियाँ बहुत नीटली निकल के आएंगी इस तरह से। यहाँ मैंने आधा किलो आंवले लिए हैं, तो चीनी का जो बूरा लिया है मैंने करीब 350 ग्राम लिया है। और जो चीनी थी मैंने उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जैसे मैंने आज इसमें आधा डाल दिया, उसको अच्छे से मिला के रख देंगे। मिला के ढक के रखना है और करीब 3 दिन तक इस प्रोसेस को हम करेंगे। इस तरह से अच्छे से मिला देंगे ताकि इसका जूस अब्जॉर्व हो जाए। और ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें चीनी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती है, थोड़ी बहुत होगी, मतलब जैसे इतना जूस जो निकलेगा करीब 1 से 2 बड़े चम्मच निकलेंगे, इससे ज़्यादा इसका चीनी वाला रस बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिला दिया है और हम इसको ढक के रख देंगे करीब 1 दिन के लिए। और एक एक दिन करके इस तरह से हमने 3 दिन तक इसको ढक के रखा है, और ढकना इस तरह से, और कपड़े की सहायता से भी ऊपर से ढक देंगे। 24 घंटे हो गए हैं, अब मैं इसको वापस से निकाल रही हूँ और देखिए चीनी थोड़ी सी अब्जॉर्व हो चुकी, थोड़ी क्या पूरी पूरी अब्जॉर्व हो गई है। और अब जो दूसरी बार जो हमको डालना है वो भी अच्छे से मिला देंगे और ऊपर से चीनी और डालेंगे। इसमें 350 ग्राम चीनी लगेगी। आधा किलो हमने आंवले लिए, उसमें 350 ग्राम चीनी लगेगी। और इसका आप पाउडर ही कर लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है पाउडर करने से, बता रही हूँ ना, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। सारी ये आंवले बिल्कुल इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ये प्रोसेस हमसे 2 से 3 दिन तक करना है। अब इसको मिला के फिर वापस ढक के रख देंगे। दूसरे दिन फिर हम इसको निकालेंगे और इस तरह से मिलाएंगे ताकि रस जो नीचे बैठ जाता है वो वापस से इसमें ऑब्जर्व हो जाए, और ढक के फिर रख देंगे। ये प्रोसेस 3 दिन तक करना है। इससे क्या होगा कि चीनी बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेंगे आंवले। और इसके बाद हम इसको 3 दिन इस तरह से करने के बाद 4th दिन हम इसको निकाल लेंगे, चालनी में इसके रस को निकलने देंगे। कम रस निकल के आया है और अब इसको हम थोड़ी देर झड़ने देंगे। और इसके बाद मैंने फॉइल पेपर एक ट्रे में बिछाया है और इन आंवलों को अच्छे से बिखेर दिया है। इसको एक दूसरे चिपकाते हुए ना बिखरे, नाइफ या फ्रॉक की सहायता से आप इसको अलग अलग कर दीजिए, इस तरह से बिखेर दीजिए ताकि आपस में चिपकेंगे नहीं। बहुत आसान रेसिपी, क्योंकि ना हमने इसमें गैस जलाया है, ना इसको स्टीम दिया है, ना इसका फ्रीजर में रखने के बाद जूस निकाला है। गैस ही थे एजटिज ऐसे रखा है, मतलब गुणों से भरपूर ये आंवला कैंडी बनके तैयार होगी, बिल्कुल व्हाइट। मार्केट में जिस तरह से एकदम व्हाइट आंवला कैंडी मिलती है, उस तरह की आंवला कैंडी बनके तैयार होगी। मैंने यहाँ इसे पतली चुन्नी से ढक दिया था ताकि इस पर धूप भी लगे और धूल मिट्टी ना आए। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुकी है। यहाँ 2 से 3 दिन की मैंने इसे धूप दी थी और बिल्कुल फरकी हो गई है। और इसे चले देखते हैं और इसमें और आगे का प्रोसेस क्या क्या है। बिल्कुल आसानी से निकल रही है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, मतलब खन खन किसी आवाज़ आ रही है इनमें, इतनी अच्छी से ड्राई हो चुकी है। और देखिए कितनी आसान रेसिपी है ये।
इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे कोई अलग से एफर्ट लगाना नहीं पड़ा है कि भाई गैस जलाना है, उसको अलग से निचोड़ना है, बहुत मतलब परिश्रम वाला काम नहीं हुआ, बहुत आसानी से ये बन के तैयार हो गया। कितनी आसानी से निकल रही है और बहुत ही ड्राई बनी है, कि ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो चुकी है पर अंदर इसमें जूस भरा हुआ है, बहुत ही मतलब रसीली भरी कह सकते हैं। और ऊपर से मैं थोड़ा सा चीनी का बूरा ही डाल रही हूँ ताकि आप इसमें चिपके ना, और आप इसमें चाहो तो काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, इससे भी टेस्ट थोड़ा बढ़ गया। मैं यहाँ सिर्फ चीनी ही मिला के रख रही हूँ क्योंकि मुझे और भी बनानी है, तो उसमें मैं इस तरह के अलग अलग तरह से बना के रखती हूँ, उसमें वो मसाले डाल दूँगी और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गई। मतलब मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा है, साइड में ये काम होता रहा है, बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ा कि आंवला कैंडी बन के कब तैयार हो गई। बहुत ही अच्छी बनी, जूस से भरी हुई बनी है। देखिए मैं आपको दूसरी भी तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से कितनी जूस भरी हुई है इसमें, बहुत ही टेस्टी बनी है और मुझे तो बहुत पसंद है ये आंवला कैंडी। वैसे भी कहते हैं कि दिन में एक आंवला पूरा खा लेना चाहिए जो कि हमारी हेल्थ को बहुत बेनिफिट देता है। तो ऐसी इजी रेसिपी जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के पास। बाय।